राधे राधे मित्रगण, कैसे हो सब। तुम अपने टाउन हॉल 14 से क्या क्या कर सकते हो आज यही देखेंगे। दो अटैक स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जिसमें टाउन हॉल 14 से पहले टाउन हॉल 15 उड़ाएंगे, और ये नहीं है कि रस बेस है, अच्छा खासा मैक्स बेस है, और उसके बाद टाउन हॉल 14 से ही टाउन हॉल 16 भी उड़ाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्लीन भैया आ चुके हैं इंडियन क्लैन से, और तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे इसने ना दो येटी डाले हैं। तुम्हारे पास 3 मिनट होते हैं है ना पूरे अटैक में, और तुम्हारा अगर बैट पहले ना तो तुम्हारा टाइम ज़्यादातर कभी फेल नहीं होता है, तो अच्छे से टाइम लिया करो ताकि तुम क्लीनिंग कर लो लेफ्ट और राइट साइड की। उसके बाद तुम्हें बैट अटैक में ना क्या करना होता है, सारी आर्मी तुमने ऐसे डालनी कि मेनली तुम्हारा टाउन हॉल ट्रिगर हो ही हो, मतलब हमेशा फालतू की चीज़ें, मतलब एक कंपार्टमेंट खाने के बाद तुम्हारा दूसरा टारगेट हमें टाउन हॉल रहना चाहिए, ये तुम्हें चीज़ याद रखनी है। और तुम्हारी जो आर्मी है उसमें तुम्हारा बैट पड़े, यानी कि तुम्हारे पास एक सेकंड स्टेज भी है जहाँ पे तुम रॉयल चैंपियन और बैट का कॉम्बिनेशन डाल सकते हो। ठीक है, यानी कि अब तुमने यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में जो डैमेज मिल रहा है उससे खुद को बचाना है ताकि तुम टाउन हॉल तक जिंदा पहुँच जाओ, और येटी तुम्हारे जिंदा पहुंच गए तो भी उनके येटी माइट जो है वो भी टाउन हॉल को निकाल के ही जाएंगे, मतलब तुमने वो निकालना ही निकालना है। तुम्हें दिख रहा है भाई ने जितना आ गया कंपार्टमेंट सारा निकाल लिया, और अगले कंपार्टमेंट इसने रॉयल चैंपियन डाल रखे एक तरफ, जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है जो कैनन से लड़ाई कर रही है। सीसी के ट्रूप आए उसमें तुम्हें कोई चक्कर नहीं, तुम्हारी कोई ना कोई एबिलिटी बची होती है क्योंकि तुम वार्डन की एबिलिटी से पहले सुरक्षित हो गए, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जो डैमेज मिल रहा है वो तुम झेल ही लेते हो। जबकि यहाँ पे टाउन हॉल 14 की आर्मी है और इसके जो ट्रूप्स है जो उसके हीरो है वो भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है मैक्स नहीं है। अब तुम्हारे पास आया था तुम्हारा दूसरा स्टेप, यानी कि तुम्हारे बैड अटैक, तुम्हें दिख रहा है बैड अटैक आ चुका है। और एक चीज़ याद रखना, अगर कहीं पे स्कैटर शॉट है और उसके यहाँ वहाँ कुछ और भी है चीज़ें, तो पहले स्कैटर शॉट के ऊपर बैड गिरा देना ताकि उसके ब्लाइंड स्पॉट में वो चले जाएं, और तुम्हारे जो बैड स्पेल में एक फ्री स्पेल लगता है ना वो वेस्ट ना हो, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, मतलब सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है टाउन हॉल 14 से अटैक करा है वल्करी और अपना येटी वाला जो बहुत पावरफुल होता है, बस याद रखना लेफ्ट और राइट साइड क्लीन करनी है ढंग से, टाउन हॉल की तरफ को जा रहा है, बॉर्डन की एबिलिटी पहले देनी है, बस इतना करना। आजकल तो तुम्हारे पास इक्विपमेंट भी होते हैं यार, फुटबॉल और लोहे का ग्लव, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो तुम्हें दिखा ऐसे तुम टाउन हॉल 15 उड़ा सकते हो और सामने तुम्हारे आर्मी आ चुके हैं, तुम यहाँ से कॉपी करके बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। मतलब उससे पहले हमारे चैनल पर लाइव होती रहती है, हम 2 बजे भी लाइव आते हैं और रात को 7 बजे भी होता है, 8 बजे भी होता है, 9 बजे भी होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, यानी कि और क्लैश ऑफ क्लैन का टूर्नामेंट भी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हें दिख रहा सामने टाउन हॉल 16 आ चुका है, और अब यहाँ पे भी वही अटैक होने वाला है टाउन हॉल 14 से, बस यहाँ पे जो हीरो है वो मैक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम टाउन हॉल 16 पे अटैक कर रहे हो। ठीक है, और तुम्हें दिख रहा है मल्टी आर्ट से चल रही है, और तुम्हें मैंने सारे इक्विपमेंट दिखा दिए, नीचे तुमने देख लिए होंगे। यहाँ स्टार्टिंग में अगर तुम देखोगे यहाँ पे क्वीन चार्ज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्वीन वॉक हो रही है, यानी क्वीन से ना बेस को पतला करा जा रहा है। ठीक है, और क्वीन मरती नहीं कि किसका हीलर होते हैं, तो तुम देखोगे यहाँ पे ना बेस को धीरे धीरे पतला करा जा रहा है, और सामने दीवार तोड़ दी गई है ताकि जो रिको कहना है वहाँ तक क्वीन पहुंच जाए, पर क्वीन वहाँ गई नहीं है, क्वीन एक अलग कंपार्टमेंट में आ चुकी है, और वहीं से सीसी लग चुकी है और बहुत सारी डैमेज, और क्वीन के ऊपर रेस पड़ा हुआ है, इनविजिबल इसने घेरा नहीं है, क्वीन की एबिलिटी बच गई, किस्मत अच्छी थी, पता नहीं कैसे बच गई, इसने पॉइजन स्पेल जो घेरा उससे साइज से उसका डैमेज एकदम से कम हो गया लिया, और क्वीन दूसरी क्वीन पे, अरे उसने सामने वाली की क्वीन को ट्रिगर कर लिया, जिसकी वजह से वो घूम के उल्टा चली गई, और वो कहाँ पे इन्फर्नो को निकालने वाली थी, अब वो दूसरी तरफ को आ चुकी है और वहीं पे रहेगी। सामने की दीवार भी इसने तोड़ दी है, यानी कि क्वीन अब टाउन हॉल वाले कंपार्टमेंट तक अपनी पहुंच पहुंचा सकती है, बस बाहर की क्लीनिंग हो जाए। तुम देख रहे हैं बाहर से हमने बारबेरियन डाले हैं या माइनस डाले हैं ताकि क्वीन बाहर को ना आ जाए, सीधा घूम के और टाउन हॉल की तरफ को जाए। तुम्हें दिख रहा है अगला उसका टारगेट क्या होना चाहिए, इन्फर्नो, उसके बाद वहाँ को जा सकती है। और एक तरफ से अपना किंग और बैरक डाल दिया था, यानी कि मैंने तुम्हें क्या कहा था स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्वीन चार्ज हो रहा है, यहाँ पे क्वीन वॉक हो रही है, इसे बेस को पतला करा है, और तुम्हें दिख रहा है अब जो अपनी राइट साइड थी वहाँ पे भी इसने बेस को पतला कर दिया है, यानी कि अब जो एक पतली सी रो रह गई सेंटर में, वहाँ से इसने पूरी की पूरी आर्मी चला दी। तुम्हें दिख रहा है बहुत सारे होग हैं, माइनर्स हैं, और एक पॉइजन स्पेल को झेलना पड़ गया है, अभी तक टाउन हॉल नहीं निकला है, पर क्वीन निकाल लेगी मुझे जल्दी उम्मीद है। क्वीन की एबिलिटी लग चुकी, सारी की सारी एबिलिटी यूज़ कर लिया इसने, क्योंकि टाउन हॉल 15 में एकदम से ही, मतलब तुम्हें दिख रहा है डैमेज काफ़ी ज़्यादा मिलने लग गया था, क्योंकि आर्मी का अटैक होता है इस बार। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी लग चुकी है, इसमें होग पपेट था, और सिचुएशन को देख के यहाँ पे आखिरी अपना हील स्पेल डाल दिया मोनोलिथ के पास, काफ़ी ज़्यादा आर्मी यहाँ पर मुझे दिख रही है, अभी भी इसका एक इनविजिबल बचा हुआ है जो ये यूज़ कर सकता है मोनोलिथ का, अगर किंग अपने सॉरी क्वीन या रॉयल चैंपियन फंस जाती तो उसने अपना आखिरी इनविजिबल भी यूज़ कर लिया है, और मुझे लग रहा है इसकी आर्मी खत्म हो गई है, लगभग खत्म हो चुकी है, और क्वीन भी मर चुकी है, हालांकि रॉयल चैंपियन पड़ी है, और रॉयल चैंपियन के साथ, अच्छा जो क्वीन के साथ से हीलर थी ना वो रॉयल चैंपियन की तरफ को आ गई थी, तो अच्छा ही हुआ ऐसे अगर तुम देखोगे, क्योंकि जो रॉयल चैंपियन है वो डिफेंसिस को ट्रिगर कर लेगी, और जितनी आर्मी ना वो बची रहेगी उससे, मतलब कि ज़्यादा डिफेंसिस जल्दी टूट जाएगी। रॉयल चैंपियन गई, सिर्फ और सिर्फ माइनस बचे हैं, और हीलर्स दोबारा बढ़ चुकी है माइनस की तरफ को, और बेस 3 स्टार भाई, 3-2-1, और ये देखो भाई टाउन हॉल 16 यहाँ पे निपट चुका है। तो तुम्हें दिख रहा है टाउन हॉल 14 से तुम ये सब कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास तकड़े इक्विपमेंट्स हैं, तुमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन वगैरह देख ही लिया कैसा कैसा था, तो ऐसे अटैक करके तुम टाउन हॉल 15 और टाउन हॉल 16 भी निकाल सकते हो, यानी कि तुम्हें बस मेनली ट्रिक पता होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जो हाइब्रिड था उसमें तुम्हें क्वीन वॉक या क्वीन चार्ज होता है ताकि बेस पतला हो जाए, मतलब जो तुम्हारी आर्मी है वो एक सीध में ही बढ़े। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा सामने नीचे आर्मी है, तुम यहाँ से कॉपी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, तब तक टिल देन स्प्रेड लव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू ऑल।